degliate che vita, ma più di vita. Ai ai, aggiungate che c'è. We'll go from left to right. Left to right, left to right. Left to right. मैंने ट्रेलर देखा था जो आता है ना वो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहाड़ियों में जाके मेरे दोस्त ने शूट किया है और सुमन से तो मेरा पहले का नाता है क्योंकि सुमन के साथ मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया था। दो ऐसा डायरेक्टर मैंने वन किया था। तो मतलब लाइक अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ी हुई हूँ हमेशा और हमेशा ही रहूँगी, चाहे वो पुराने दोस्त हों चाहे नए दोस्त हों। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पूजा कर रही थी मैं फास्ट खोलने का, तुरंत मैं आई हूँ। और ऑल द बेस्ट, और ट्रेलर तो बहुत अच्छा था। अभी मैं जस्ट आई हूँ तो मैं अभी पूरा सॉन्ग भी देखने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि विपिन का और प्रीत का और डायरेक्टर बाय सुमन उनका जो गाना है, कौन क्या नाम है गाने का, तेरा मैं दीवाना, तेरा मैं दीवाना, तो आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू। अभी क्या चल रहा है? बस अभी तो चल रहा है, बस आने का वेट कर रही हूँ मैं। Lot of things coming. तो काफी चीजें आने वाली हैं और मैं मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रही है कि मेरा 2024-2023 से भी डबल होगा। तो मैं बस अपने लिए और आप सब लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बस विश करती हूँ 2024 सबके लिए बहुत अच्छा हो और आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। देखो पता क्या है, कलर्स के लिए और बिग बॉस के लिए मैं हमेशा से खड़ी हूँ, और क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं कलर्स के बदौलत हूँ, बिग बॉस के बदौलत हूँ। शायद मैं बिग बॉस में अपना इतना अच्छा नहीं कर पाती तो शायद लोग मुझे जानते नहीं। आज मैं चाहे चंडीगढ़ हो या दिल्ली हो, कहीं भी जाती हूँ सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को बहुत अच्छा उन्होंने सराहा है, चाहे वो बिग बॉस में हो चाहे खतरों के खिलाड़ी में हो। तो ऑफ कोर्स मैं उनके साथ हमेशा खड़ी हुई हूँ। बिग बॉस मुझे जब भी बुलाएंगे मैं उन मतलब तब तब हाजिर हो जाऊंगी। कितना बड़ा एक्सपोजर मिला आपका बिग बॉस में आने के बाद? बहुत ज्यादा सीरियस, मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने ना सोचा नहीं था कभी ऐसा, मतलब ऐसा इमेजिनेशन तो चीजें होती रहती है कि हाँ एक दिन मैं भी ऐसा करूंगी, ये करूंगी, आऊंगी, मीडिया ऐसे खड़ी रहेगी, इंटरव्यू लेगी और मैं इंटरव्यू दूंगी। तो मतलब वो सपना आज, हाँ थोड़ा सा पंबल का प्रॉब्लम है मुझे, तो आज वो सपना पूरा हुआ कि और अब तो मीडिया मेरे मतलब लाइक मीडिया और मेरा ताल्लुक तो ऐसा दोस्ती वाला हो चुका है, इतना अच्छा दोस्ती वाला हो चुका है कि मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हो आप सब लोग ना दोस्त बन चुके हो। तो मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छी फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा पूरे बाल वाला, मैंने सच में नहीं, वो हिंदी बोलते तो अच्छा लगता है। मैंने हाँ प्रोमो देखा, हिंदी बोलते है ना वो, तो है कहाँ से ये नहीं पता मुझे। कोरियन है, तभी उनकी स्किन बहुत अच्छी है। अजरा जी, अगर गाने की टाइटल की बात करूं तेरा मैं दीवाना, तो रियल लाइफ में आप किसके दीवाने हैं? मैं अभी तो सच में लाइफ में कोई आया नहीं है, उसी के लिए मैं 16 सोमवार के व्रत रख रही हूँ। तो जिस दिन कोई आएगा तो पक्का मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो पांचवा है आज, तो हाँ अभी पांचवा है। देखो सभी लोग अच्छा खेल रहे हैं, मतलब मैं इतना
प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे अंकिता जी बहुत अच्छी लगती हैं जो रियल खेल रहा है. मेरे लिए क्या होता है, फॉलोअर्स मैटर नहीं करता, कि क्योंकि बाहर से फॉलोअर्स लेके आ जाते हैं और वो जीत जाते हैं, मेरे को वो मैटर नहीं करता. मुझे वो मैटर करता है कि बिग बॉस में सबसे ज़्यादा प्रोमो किस चीज़ पर कटे हैं, किस किसके ऊपर कटे हैं. तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोमो कटते हैं मेरे लिए वो विनर होता है, और जो रियल खेलता है मेरे लिए वो विनर होता है. तो अभी जो मुझे लगता है ऐश्वर्या अंकिता ये दोनों मेरी फेवरेट है, और मैं चाहती हूँ इन दोनों में से कोई एक ही विनर बने. आखिरी सवाल, खतरों के खिलाड़ी हारने के बाद क्या बदलाव आया लाइफ में? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, लोगों ने मेरे स्टंट बहुत पसंद किए, और कभी भी मैं जैसे जाती हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि अर्चना आपने बहुत अच्छे स्टंट किए हैं. बस वो लास्ट में थोड़ा सा फूड पॉइजन हो गया था तो मैं लास्ट स्टंट नहीं कर पाई, उसका अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा. बट इट्स ओके, जहाँ तक पहुँची मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट का इंतज़ार है कि कब जल्दी जल्दी आए. थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, सब कुछ सही चल रहा है. गाइस प्लीज तेरे नाम क्या था, तेरा मैं दीवाना, तेरा मैं दीवाना को प्लीज देखना, प्लीज देखना. ये तेरे नाम दिखवा दी थी यार. सोलो मैं सोलो 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 से मेज साइड में आई थिंक व्हाट अ डायरेक्टर नीड्स मेरे हिसाब से इज द आई ऑफ ऑल द गुड थिंग्स, आई ऑफ एवरीथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग ऑन द स्क्रीन, वेदर इट्स कॉस्ट्यूम और डूइंग अ रेकी ऑफ अ लोकेशन और इवन कैप्चरिंग द फ्रेम्स एंड कैप्चरिंग द ब्यूटी इज बिकॉज द मीडियम दैट वी वर्क ऑन इट्स प्रेडोमिनेंटली ऑन टू senses, which is the audio senses and the visual senses, and as a director's job to create an experience that is very appealing to the audience is what Suman has expertise in, creating great costumes to now capturing frames that are very, very visually appealing, and choosing something to do with his more creativity a little bit more is very exciting. So I'm very happy for Suman, and another reason I have for the video to be here is my friend Vipin, who is the lead actor in the music video. So yeah, all great things. Music videos are just, I feel they have a story to say in 3.5-4 minutes at the max. And it's just, as I said, you know, there are so many ways to put a story ahead. And Suman has done this with his visual senses. Like I've seen the cinematography. Cinematography is great. And the story that comes off in the video is nice. So I would say, not intellectualize so much, but just enjoy the song, enjoy the feel of the song, and enjoy the beautiful scenes that he has captured. So, yeah. Thank you so much. Cheers. Amen.